स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के दबंग विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक ब्रजेश प्रजापति ने पुलिस के साथ भी गाली गलौज किया, बदसलूकी की गई, पुलिस के साथ गाली गलौज करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। दो दिन पहले दलित परिवार से मारपीट भी की गई थी। तो दबंग विधायक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दबंगई का वीडियो भी सामने आया है, साथ ही हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता दें, विधायक ब्रजेश प्रजापति ने पुलिस के साथ भी गाली गलौज किया, पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई। पुलिस के साथ गाली गलौज करने वाले दबंग विधायक का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, और साथ ही इस पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बड़ा सवाल यह है कि वीडियो सामने आने के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बात कर रहे हैं उधर, वो कौन करोगे उसकी पहचान है, तो बीजेपी के दबंग विधायक का ये वीडियो वायरल हो रहा है। दो दिन पहले दलित परिवार के साथ मारपीट की थी, पुलिस वालों के साथ गाली गलौज बदसलूकी की गई, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो बीजेपी के दबंग विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस के साथ भी गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। साथ ही हम आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें बदसलूकी की गई है, गाली गलौज किया गया है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसकी शह पर विधायक ये दबंगई कर रहा है, पुलिस वालों के साथ भी ये दबंगई की गई है। दो दिन पहले दलित परिवार के साथ मारपीट की गई, एक के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है, लेकिन बड़ा सवाल कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई। तो विधायक ब्रजेश प्रजापति ने पुलिस के साथ भी गाली गलौज की है, और वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से गाली गलौज बदसलूकी पुलिस वालों के साथ की जा रही है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। जय, आपसे जानकारी चाहेंगे, वीडियो भी सामने आ चुका है, हालांकि इंतजार अब किस बात का किया जा रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही विधायक पर? बिल्कुल, अगर हम सत्ता के रसूख की बात करें तो वो मामला पहले ही सामने आया था कि किस तरह से विधायक जी सत्ता के रसूख में अपनी ससुराल पहुंचे साले के फोन करने के बाद, और वहां पर एक दलित परिवार को बुरी तरह से पीटा। उसके बाद अगर हम कार्रवाई की बात करें तो मीडिया ने जैसे ही संज्ञान लिया मामले को, उसके बाद दोनों तरफ से मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन अगर हम बात करें तो सिर्फ दलित परिवार के ही एक व्यक्ति को पुलिस ने 151 करके और उसको जेल भेजने का काम किया था। वहीं अगर दूसरी तरफ की बात करें, सात लोगों पर विधायक पक्ष के जो लोग थे, हालांकि विधायक ने बड़े ही होशियारी से अपना नाम तहरीर से हटवा दिया था, लेकिन फिर भी उनके सालों के खिलाफ लगभग सात लोग थे जो उनकी तरफ से दलित परिवार द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आपको बता दें SC ST एक्ट सहित मारपीट की धाराएं थी, लेकिन अभी तक किसी को उसमें से गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस का जो एक कार्यप्रणाली है उस पर ही सवाल उठता है। हालांकि विधायक जी ने जमकर पुलिस को भी कोसा है, जैसा कि आज एक वीडियो सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि किस तरह से एक जो पुलिसकर्मी थे उन पुलिसकर्मियों के सामने वो किस तरह से दूसरे एक किसी दरोगा का जो उस समय वहां पर मौके पर मौजूद था उसको लेकर के किस तरह से विधायक जी उलझे हुए थे, और तमाम अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पुलिस के खिलाफ वो कहते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सत्ता का रसूख है वो विधायक जी पर हावी होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पीड़ित परिवार की बात करें अभी की, तो अभी भी पीड़ित परिवार को किसी भी तरह का कोई न्याय नहीं मिला है, वो अभी दर दर भटक रहा है। वही अगर हम सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि पीड़ित परिवार अब कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई ना हुई तो धरने पे भी बैठ सकता है। जी बिल्कुल जय, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उन्हें न्याय इंसाफ नहीं मिलता तो वो धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मऊ में सदर विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी कोयला माफिया उमेश सिंह का भी भीटी चौराहा स्थित शॉपिंग मॉल समेत करोड़ों की संपत्ति मंगलवार को जब्त कर ली गई है, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
गैंग को फंडिंग करने वाले की 6.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है और कई लग्जरी गाड़ियों समेत करोड़ों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें, जहां मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। उसके तमाम करीबियों पर अब ये शिकंजा कसा हुआ दिखाई दे रहा है, मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ये शिकंजा। जनपद मऊ पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह IS-191 के अत्यंत नजदीकी और कोयला माफिया उमेश सिंह, जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पूर्व में पंजीकृत था, 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी आज अवैध रूप से अर्जित 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है, जिसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो BT थाना कोतवाली अंतर्गत इनके द्वारा बनाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 5.5 करोड़ रुपया है, और उसके साथ साथ 8 वाहन जिसमें ट्रक, 4-व्हीलर और 2-व्हीलर शामिल है, जिसकी जिन वाहनों की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया है, और इस प्रकार से टोटल 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है। तो गैंग को फंडिंग करने वाले पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, तमाम करीबियों पर अब शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, गैंग को फंडिंग करने वाले पर भी ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो मुख्तार अंसारी के तमाम गुर्गों से पूछताछ भी जारी है, और साथ ही अब संपत्ति जिस तरीके की बताई जा रही थी, करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, कई लग्जरी गाड़ियों समेत करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया है, गैंग को फंडिंग करने वाले पर भी ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तमाम जो भी करीबी हैं, जो जुड़े हुए हैं मुख्तार अंसारी के साथ, उन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। तो गैंग को फंडिंग करने वालों की 6.5 करोड़ की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है, मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ये शिकंजा कसा हुआ नजर आ रहा है। तो गैंग को जो लोग फंडिंग कर रहे थे उन पर भी कार्रवाई की जा रही है और करोड़ों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ भी कर रही है पूरे मामले को लेकर, हर एक पहलू पर नजर बनाकर रखा हुआ है, और गैंग को फंडिंग करने वाले 6.5 करोड़ की संपत्ति को भी जब्त किया गया है। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर यह शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, कई लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों रुपए जब्त कर लिए गए। जो लोग गैंग को फंडिंग कर रहे थे उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो मऊ में अब कहीं ना कहीं मुसीबतें मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी मंडराती हुई दिखाई दे रही है, उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, कई लग्जरी गाड़ियों समेत करोड़ों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ये शिकंजा कसा गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी, तमाम करीबियों पर भी अब शिकंजा कसा हुआ नजर आ रहा है? आनंद, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आनंद, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे कुशीनगर की, जहां पर कोरोना जांच करने गए स्वास्थ्य टीम पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि हमले में कई स्वास्थ्यकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। तमकुही विकासखंड के पगरा पडरी गाँव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तमकुही विकासखंड के पगरा पडरी गाँव का यह पूरा मामला है, जहाँ कोरोना जांच करने गए स्वास्थ्य टीम पर यह हमला किया गया है। और वाकई ये मामला ये बताने के लिए काफी है कि लोग अभी भी सतर्क और जागरूक नहीं है, अभाव उनमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पर यह हमला किया जाता है। तमकुही विकास खंड के पगरा पडरी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, स्वास्थ्य टीम पर यह हमला किया गया है। कोरोना जांच करने के लिए स्वास्थ्य टीम यहां पर पहुंची थी कुशीनगर के इस खंड पर, तमकुही विकास खंड के पगरा पडरी गांव पर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के ऊपर ही हमला कर दिया गया। तो हमले में कई स्वास्थ्य कर्मी जो है वो घायल हो चुके हैं, और साथ ही तस्वीरें देखिए, उस दौरान की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी का शीशा है उसको भी तोड़ा गया है, यानी कि पत्थर मार के इसको तोड़ा गया है। तमकुही विकास खंड के गांव का यह पूरा मामला है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर सजग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दावों को हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं कानपुर जिले में एक तरफ कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या पर चिंतन जताते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से कानपुर आए हुए थे, वहीं इसी कानपुर में कोरोना का टेस्ट कराने आए लोगों को सरकारी कर्मचारी 112 नंबर डायल करने की धमकी देते हुए भाग जाने को कहा गया और धक्का देते हुए टेस्टिंग रूम रजिस्ट्रेशन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। ये वीडियो खुद कोरोना टेस्ट कराने गए पंकज दुबे नाम के व्यक्ति ने बनाया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो टेस्ट कराने पहुंचे व्यक्ति ने ये वीडियो खुद ही बनाया, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। बात करेंगे नोएडा की, जहां पर थाना 20 का सफाई कर्मचारी ने घेराव कर दिया है। आपको बता दें कि वेतन की मांग को लेकर यह घेराव किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लोगों के साथ अभद्रता कोरोना टेस्ट को लेकर, और साथ ही पुलिस ने सफाई कर्मचारियों के नेता को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, नोएडा में सफाई कर्मचारियों को यह प्रदर्शन देखने को मिला है। वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने थाना 20 का घेराव किया और उसी दौरान की तस्वीरें आप देखिए, नोएडा में सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया पुलिस थाने के बाहर, यहां महिलाएं भी मौजूद हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं उस दौरान की तस्वीरें, जिस दौरान भी प्रदर्शन किया जा रहा था। गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने थाने का घेराव भी किया। वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, लगातार वो मांग कर रहे हैं अपनी वेतन से जुड़ी तमाम समस्या को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वेतन नहीं मिला है और यही वजह है कि नोएडा में सफाई कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। थाने के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है, थाने का घेराव यहाँ पर किया गया है। पुलिस ने सफाई कर्मचारियों के नेता को हिरासत में ले लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसी दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नोएडा में सफाई कर्मचारियों का यह प्रदर्शन, वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, पुलिस थाने का घेराव कर लिया है, पुलिस ने सफाई कर्मचारी के नेता को भी गिरफ्तार किया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी? देखिए, थाना सेक्टर 20 पे आज कर्मचारी जिस तरीके से कल इन्होंने नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य द्वार पे धरना प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर, जिसमें तमाम वेतन से लेकर छुट्टी से लेकर साप्ताहिक छुट्टी और तमाम और जो फैसिलिटी दी जाती है उन, और खासतौर से ठेकेदारी प्रथा को खत्म लेने के लिए, उस पर जोर देते हुए धरना प्रदर्शन किया। थाने का भी घेराव किया, क्योंकि कल पुलिस ने हल्के मर्ग का इस्तेमाल करा था और इन लोगों को हटा दिया था। तभी से एक नई योजना के तहत इन्होंने आज थाने में भी घेराव किया। जी बिल्कुल अली, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो नोएडा में सफाई कर्मचारियों का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। रुक करेंगे बरेली से बड़ी खबर, जिला पंचायत में गोली चलने का लाइव वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि जिला पंचायत में अपर निर्देशक कार्यालय में ये गोली चली है। गोली लगने से क्लर्क निहारिका घायल भी हो गई है, लेखागार महावीर सिंह ने भी सिंह से ये गोली चली है और महिला क्लर्क को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शहर कोतवाली इलाके में स्थित है जिला पंचायत, जहां की पूरी घटना बताई जा रही है। लाइव फायरिंग आप देख सकते हो और देखिए तस्वीरों में कैद हो गई है ये लाइव फायरिंग, किस तरीके से गोली चली, महिला के कमर में ये गोली जाकर लगी। तो जिला पंचायत में गोली चलने का ये लाइव वीडियो आप देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ महिला खड़ी है और महिला क्लर्क को निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। गोली यहां पर चलती है और महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाइव फायरिंग का ये फुटेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, ये बरेली के जिला पंचायत ऑफिस का मामला है, जहाँ पर जो ये महावीर सिंह है, जो जिला पंचायत में सीनियर अकाउंटेंट है, ये कमर में रिवॉल्वर लगाकर जिला पंचायत ऑफिस में पहुंचे थे। वहीं पर जो निहारिका टंडन है, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है, उन्होंने रिवॉल्वर के बारे में पूछा और उन्होंने जो है कैश में आकर रिवॉल्वर के बारे में उसको दिखाया कि किस तरह से चलता है, और उसी में उनके उनसे हाथ से फायर हो गया जो निहारिका के लग गया, और उसके बाद अब वो अस्पताल में भर्ती है। जी आशीष, फिलहाल हालत कैसी है महिला की? जी, ये जो अभी निहारिका है, ये अभी खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में हाथ फायरिंग पर प्रतिबंध है और
इस सरकारी ऑफिस में इस तरह से हथियार को लाकर लेके जाना, वो निश्चित रूप से कई सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो गोली लगने से महिला क्लर्क जो है वो घायल हो गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला को यहाँ पर जानकारी दी जा रही थी और उसी दौरान ये गोली अचानक से चलती है। रुक करेंगे शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया है खुलासा और अवैध शस्त्र बनाने वाले दो लोग गिरफ्तार किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 अवैध बंदूकें, 1 राइफल और कई देसी तमंचे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को भेजा है जेल। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया और अवैध शस्त्र बनाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 3 बंदूक भी यहां से बरामद किए गए हैं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल प्रीति, शाहजहांपुर पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें उसने असला फैक्ट्री का खुलासा किया। दो असला बनाने वाले दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 3 अवैध बंदूक, 1 राइफल और कई देसी तमंचे भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। उसके बाद प्रीति, जिस तरीके से पुलिस लगातार रेकी कर रही है तमाम और भी घटनाओं का खुलासा करने के मूड में है, और कहीं ना कहीं पुलिस का कहना है कि जो भी सातिर किस्म के अपराधी हैं उनको किसी भी हाल में पकड़ा नहीं जाएगा। सीधे सीधे कप्तान साहब ने, पुलिस अधीक्षक ने बोल दिया कि जो भी आरोपी है उनको सीधे जेल भेजा जाएगा। प्रीति और सुशांत, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है पूछताछ में, और क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं, ये कड़ी कहाँ तक जुड़ी हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से खुलासे हुए, पुलिस ने बताया है कि इनका एक बड़ा गैंग है, जो ये 6 से 7 लोगों का गैंग है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी 2 लोगों की हो पाई है, बाकी की भी तलाश जारी है और पुलिस को जल्दी कामयाबी मिलेगी, ऐसा पुलिस जी बता रही थी कि वो लोग लगातार कई थानों की पुलिस उन्होंने सक्रिय कर दी है, जिससे कि ये आरोपी हैं, आरोपियों के जो साठगांठ वाले हैं, जो इनके पार्टनर हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। बिल्कुल सुशांत, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बस्ती में, आखिर अरबों रुपए की सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा हो ही गया। बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने सबसे पहले मुख्यमंत्री से प्रदेश स्तरीय टीम से जांच कराने की मांग की थी और डीएम ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन भी किया था। जांच टीम ने जो रिपोर्ट दी है वो काफी चौंकाने वाली है। इन सबके लिए राजस्व कर्मियों, पट्टेदार और उनके वारिशों की मिली भगत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो जिम्मेदार मानते हुए इस पर काबिज 38 लोगों को बेदखल भी कर दिया गया है। तो जमीनों का बड़ा फर्जीवाड़ा, 65 बीघा जमीन को कराया गया है खाली और साथ ही 65 बीघा जमीन अब खाली करा ली गई है। एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो है यहां से निकलकर सामने आ रहा था, 38 लोगों को जमीन से बेदखल किया गया है जिस पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ था। तो सरकारी जमीनों का ये फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। सीधे तौर पर 65 बीघा जो जमीन है उसको खाली कराया गया। रुक करेंगे बड़ी खबर लखनऊ से, मिशन 2022 को धार देने में जुटी है बीएसपी। आपको बता दें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तय किया है चुनावी एजेंडा। बीएसपी के एजेंडे पर रहेंगे ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, यानी कि ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए वर्चुअल सम्मेलन करेगी बीएसपी। सेक्टर और मंडलवार प्रभारियों को ये निर्देश भी दे दिए गए हैं और एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग में जुटी हुई है बीएसपी, यानी कि ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीएसपी की रणनीति पूरी तरीके से तैयार है। मिशन 2022 का एजेंडा बीएसपी ने साफ कर दिया है। यहाँ पर मिशन 2022 को धार देने में जुटी हुई है बीएसपी। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए वर्चुअल सम्मेलन भी बीएसपी करेगी। तो बीएसपी के मिशन 2022 पर कांग्रेस और सपा का क्या कुछ कहना है आपको भी सुनवाते हैं। प्रतीकों की राजनीति से कहीं बेहतर है सेवा भाव की राजनीति करना, समाज की सेवा करना, वंचितों की और उन वर्गों की जिनके खिलाफ जुर्म हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी तो सेवा की राजनीति कर रही है, जिन्हें मूर्तियों की और प्रतीकों की राजनीति करनी हो प्रतीकों की राजनीति करें। हम लोग श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सेवा भाव की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। हर जुल्म के खिलाफ श्री लल्लू जी खड़े हुए हैं, पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है
और हम लोग इस वक्त सिर्फ सेवा भाव की राजनीति करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो ने अभी जो कहा है माननीय मायावती जी ने कि वो हम लोग जैसी मूर्ति भगवान परशुराम चेतना पीठ के तत्वावधान में लगा रहे हैं उससे ज्यादा भव्य मूर्ति बनाएंगी अगर सरकार बनेगी तो, और भी बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर सच में मंशा होती, सच में नियत होती, सच में भगवान की प्रति श्रद्धा भाव होता, आराधना होती, तो आज वो चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, आज तक बन चुकी होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो ये ना कहती कि जब सरकार बनेगी तब बनाएंगे। आप देखिए वो ये कह रहे हैं जब सरकार लगेगी बनेगी तब बनाएंगे। तो प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम भी देखने को मिल रही है। आपको तीन तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं कि किस तरीके का जो नजारा है कोरोना काल में दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं नोएडा की है, दूसरी मथुरा की है, जहां पर हम देखते थे कि लगातार जो धूम है मथुरा में वो दिखाई देती थी, लेकिन इस बार कोरोना काल का सीधा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तीसरी तस्वीर आप आगरा की देख सकते हैं, तो कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का जो ब्रज क्षेत्र में खासा महत्व है, चूंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अगर हम बात करें तो जन्म स्थली मथुरा है और आगरा भी ब्रज क्षेत्र में ही आता है। त्यौहार को मनाने के लिए प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार पूरी कर ली गई है। वहीं आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि त्यौहारों को लेकर कोई भी नए दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जिस त्यौहार की अगर हम बात करें पिछले सभी त्यौहार मनाए गए हैं उसी तरह से ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल या फिर सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं होगा। मंदिर के पुजारी जिन लोगों को अनुमति देंगे सिर्फ वही पूजा अर्चना कर सकेंगे, बाकी लोग अपने घर पर ही रहकर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्यौहार मना सकेंगे। यानी कि कोरोना का सीधा असर जो है त्यौहारों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देशभर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से मंदिरों में की जा रही है। नोएडा में स्थित इस्कॉन टेंपल में भी जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। वहीं मंदिर के पंडितों की अगर हम माने तो उनका यह भी कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए भक्तों का जो दर्शन करने के लिए तांता लगा रहता था वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। मंदिर की तरफ से भक्तजनों के लिए मंदिर में आने के लिए भक्तों को प्रतिबंध कर दिया गया है और मंदिर की तरफ से ही कृष्ण जन्माष्टमी की सारी तैयारियाँ, भव्य कार्यक्रम सब सोशल मीडिया के द्वारा लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। तो इस्कॉन टेंपल में भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाएगी, लेकिन कोरोना महामारी का सीधा असर दिखाई दे रहा है। वहीं इसी बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मामूली विवाद में बच्चे को जमकर पीटा गया है। मामूली विवाद में दबंग ने बच्चे को जमकर पीटा है। आगरा से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको हैरान भी करेंगी और मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। दबंग युवक ने जमीन पर पटक पटक कर बच्चे को पीटा है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देखिए बच्चे को किस तरीके से पीटा जा रहा है। वहां पर लोग मौजूद है लेकिन किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की, तमाशबीन यहाँ पर लोग बने रहे। मामूली विवाद में दबंग ने बच्चे को जमकर पीटा। तो आगरा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां सड़क पर बच्चे को जमकर पीटा गया है। बच्चे को दबंग ने जमकर पीटा लेकिन आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। तस्वीरों में ये पूरी घटना कैद हो गई है। तस्वीरें आप देखिए, छोटे से मासूम बच्चे को यहां पर पीटा जा रहा है। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुक करते हैं। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी है राहत सामग्री। तो सहजनवा के चढ़राव गांव में पहुंचकर राहत सामग्री बांटी गई है। गोरखपुर में राप्ती नदी का कहर भी लगातार जारी है, बाढ़ से कई लोग बेघर हो गए हैं।
वहीं इसी बीच एक दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी थी कोरोना पॉजिटिव थे वो, और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। इंदौर के अस्पताल में राहत इंदौरी भर्ती थे। 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी का ये निधन, दुखद समाचार। हार्ट अटैक से हुआ है राहत इंदौरी का निधन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।